एक दो दिन बाद तो मतलब डाउट भी भूल जाते हैं। हाँ किसे डाउट वैसे मार्क तो मतलब क्या ही होता है, बट फिर भी उसमें वो फ्लो नहीं आता ना। बोलो जी डाउट्स आई पार्ट में बोलो पहले एक्सरसाइज जीरो के फिर नो सर, एक। एक मिनट यस सर, सॉरी सर, नहीं है कोई डाउट मेरे आई को पार्ट नंबर में नहीं फोर आएगा। तक नो सर, नो सर, सिक्स तक डाउट नो नहीं सर, नो सर, जे पार्ट में क्वेश्चन नंबर फोर तक फोर है फोर्थ। फोर में ए और डी में तो रिकन। सर ए और पता डी कैसे लगा कैपिलरी इसका मेनिस्कस कैसे देखना है सर? ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर अनदर आइडेंटिकल ट्यूब बी इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेटिव मेजरेबल। सर सरफेस टेंशन से देख सकते हैं ना? हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा, मैंने भी मैंने तो ऐसे वैसे ही देखा, किया है सर ये। हाँ जिसके सरफेस टेंशन ज्यादा वो ज्यादा ऊपर जाएगा। वो ज्यादा एरिया राइज हो जाएगा। कन्वेक्सिटी, एरिया तो सेम ही है उसका। इसमें एक में थोड़ा हाँ सा ऊपर है और एक बिल्कुल, पूरा पूरा है। एक तो ऊपर ही बिल्कुल पहुंची हुई है। देखो इसमें बी और सी ऑप्शन में तो क्या बन रखा है वो तो सर कनकेव बना हुआ है सर, उल्टा ही बना हुआ है इधर है ना कन्वेक्स मेनिस्कस बन रखा है वो कन्वेक्स तो होगा बना ही हुआ है नहीं सर। वो तो सर ऐसे पॉसिबल ही जाता है नहीं ना, कन्वेक्स होता नहीं ना। कन्वेक्स नहीं होगा सोशल कन्वेक्स तो उस किसमें होगा जो वाटर तो मरकरी फॉल जो नीचे जा रहे थे, मरकरी में है ना, करेगा वो वाटर कोहेसिव फोर्स से शो करता है, वो भी वो नीचे बनता है, साथ में नहीं नहीं बनता। चिपकेगा। यस सर, तो इसमें एक में पानी है दूसरे में सोप सोल्यूशन है सोप पानी है सोप वाटर है ठीक है तो दोनों ही ग्लास ट्यूब को चिपकते हैं ठीक है तो मरकरी टाइप तो है नहीं कुछ तो इसलिए कन्वेक्स तो बनेगा ही नहीं दोनों में ही यस कनकेव बनेगा। सर, और एक में जो डी ऑप्शन है उसमें उसने हाइट पूरी पहुंचा दी मतलब इट इज दी इनसफिशियंट वाला केस है यस डी डी सर, ऑप्शन में यस ठीक सर, है तो ऐसा भी नहीं होगा डी डी मतलब इनसफिशियंट वाला केस नहीं है उसमें स्पेसिफिकली मतलब मेंशन्ड कुछ ऐसा होगा कि हमें पता लगेगा कि वो इनसफिशिएंट लेंथ रह गई उसकी ठीक है जी। तो ए एरिया ऑप्शन ही सर बची और ए ऑप्शन में हमें पता है सोप सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है वो कम होती नहीं है। थीटा, एक्चुअली इसमें थीटा पे भी डिपेंड करेगा हाँ सर मैंने भी यही सोच ली, क्योंकि कॉस डेंसिटी पे थीटा भी डिपेंड करेगा डिक्रीज। बहुत 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 चीजें हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसको ठीक है बट इतना होगा कि डिफरेंट होंगी हाइट्स हाँ सर, यस हाइट्स डिफरेंट होंगे सेम नहीं होगा अगर किसी फोटो में सेम बननी होती तो गलत हो जाए। वो तो नहीं है, पर फिर सर डोम शेप से डिसाइड करना है ना, मतलब हाँ एक तो हमें शेप शेप। देखनी है कि कंकेव मेनिस्कस होना चाहिए नंबर वन नंबर टू हमें ये देखना कि हाइट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। नो फाइव एंड सिक्स सर, नो सर, रुचिता यस डेंसिटी पे करेगा नीचे रो आता है ना एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा बाय सोप सॉल्यूशन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी ना? इसकी ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी सर किसकी ज्यादा होती है, वाटर या सोप सॉल्यूशन में? होनी तो सोप सॉल्यूशन की थी फिर सर एस सर कॉस थीटा पे डिपेंड कर सकता है सर, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर क्योंकि वो हाइट तो सोप सॉल्यूशन वाले की ज्यादा है। यस सर, यस थीटा तो उसका तो कम एक्चुअली होगा लोकल। नहीं ऑब्वियसली मतलब हमें वही है ना डेटा डेटा के बिना हम हाइट कितनी होगी ये नहीं बता पाएंगे यस बट डिफरेंट बट होगी डिफरेंट बता होगी सकते ना बता हैं। सकते यस सर, ठीक है। तो एक्सरसाइज वन में इसमें और कोई तो नहीं था नो सर, ठीक नो नो सर, पार्ट आई हाँ जी वन में आई में बोलो सर टू इसका थर्ड सेकंड में पार्ट। ना रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में आंसर देना, हाँ ये सर अगर यस भी कोई क्या डाउट है। कह रहे ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर जनरली मोर स्फेरिकल इन शेप देन लार्ज ड्रॉप्स ऑफ द सेम लिक्विड बिकॉज सर हमने बताया था ना, वेट क्योंकि एग्जिट आधा लगता है तो उसकी स्फेरिकल नहीं रहती फिर, है ना? के कारण स्फेरिकल नहीं रहती तो सर तो किस फिर रिस्पेक्ट में सर बताना है क्या ड्रॉप? यही बताना है कि देखो स्मॉल ड्रॉप्स में तो वेट कम होता है तो सरफेस टेंशन डोमिनेट सरफेस करती टेंशन है। डोमिनेट कर तो जाती है। उसमें सरफेस टेंशन का इफेक्ट देखो सरफेस टेंशन तो उतनी है यस सर, लेकिन स्मॉल ड्रॉप में वेट वेट ज्यादा कम वो करेगा कम इफेक्ट डालेगा करेगा। और बिग ड्रॉप्स में वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा तो बिग ड्रॉप्स को और इसका इफेक्ट क्या होता है वेट का उसको स्फेरिकल शेप से नहीं डिफॉर्म करता। करना यस सर, तो इसलिए बिग ड्रॉप्स जो हैं उसमें वेट का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएंगे इसलिए कम स्फेरिकल होंगे। तो सर अगर ड्रॉपलेट्स ऑफ आंसर लिक्विड क्या की है बात फिर? करें,
तो आएगा कि उनकी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट कर रही है. तो फिर तो बी बनेगा अगर हमें ड्रॉप्स छोटे वाली ड्रॉपलेट्स लेना ड्रॉपलेट के. Force of surface tension predominates the yes. और इसमें क्यों नहीं दे रखा force of in case of ये in case देना चाहिए ना. क्या दिया हुआ है बी बन तो रहा ठीक लग रहा है मेरे को तो बी. सर किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एनिवर्सल रस ड्रॉपलेट या बड़ा ड्रॉप. क्योंकि चलो ड्रॉप पहले है पहले. हाँ वो यही बोला है ना उसने स्टेटमेंट में ये बोला है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स मतलब ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर जनरली मोर स्फेरिकल. व्हाई ठीक है सर उनके ड्रॉपलेट्स की विद रिस्पेक्ट टू बताना है हमें. ड्रॉपलेट्स का स्टेटमेंट सब्जेक्ट वो है ना. यस सर. सर थर्ड वाला हमने अभी देखा जो वैसे ही है वो ही है ना. हां यही है यही जो मैं अभी बता रहा था ना तुम लोगों को. सर फिफ्थ वाला स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लाइन ये पिछले उसमें पार्ट में भी था. फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम. फ्रेम पे हमें फोर्स बतानी है. सुरभि राइट है ना. सुरभि ने पूछा. मुस्कान 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 ने पूछा. मुस्कान 39 यस सर. मुस्कान एल 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 हर एक पे फोर्स लगेगी. एफ 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 है ना. मतलब कि जितनी टोटल चारों साइड से लग रही है वो बतानी है. हाँ हाँ फ्रेम पे पूछा ना उसने. अच्छा सर फ्री सरफेस दो के ऊपर से लेंथ 4 एल होगी तो इसे 8 टीएल हो जाएगा. हाँ फ्री सरफेसेस की दो हैं एक आगे लग रही है और एक पीछे. 4 एल 4 4 टाइम्स एसएल आगे लग रही है इस वाली सरफेस जो हमें दिख रही है और 4 एसएल उसके पीछे वाली सरफेस पे लग रही है तो 8 एसएल होगा. 8 एसएल हो जाएगा. ठीक है सर ओके सर. सर 7th सर इसमें ये मैं पूछ रही थी कि इसमें n n n 2 by 3 इसलिए आगे नहीं किया क्योंकि वो नेगेटिव साइन था इसके लिए. यस वो आगे वो आगे रिलीज लिख रखा है इसलिए. तो वो हमने अब्सॉर्ब का किया था है ना ये रिलीज का इसलिए नहीं रिलीज तो पहले में हमने नेगेटिव का कर लिया था. नहीं हमने तो वो अब्सॉर्ब का किया था ना. हमने वर्क डन जो देखो वर्क डन जो एक्सटर्नल था हमने निकाला था e into n raised by 2 by 3 minus 10 and obviously this will be negative. Negative का मतलब it will be released. तो मान लो इसका आंसर आता है minus 10 जूल. तो release 10 जूल हो जाएगी. ठीक तो हम ये बोलेंगे कि energy release is 10 जूल. Yes. इसलिए उल्टा दे. तो सर आंसर इसका C होगा ना फिर. Energy released C होगा सर. Yes, C होगा सर. B. C होगा B होगा. ये वाला होगा ना. बी सी है यार ये. क्या हो गया मेरे को सी दिख रहा नहीं आगे. एंड लाइन इसी पे लगा रहा हूँ बोल रहा हूँ कि टेन तक. नो सर नो सर. 14 तक. नो सर. जे पार्ट में 3 तक. सिर्फ 14. किसका 14? यस सर. इफ वर्क W इज डन इन ब्लोइंग अ बबल फ्रॉम ऑफ रेडियस R एंड द वर्क देन द वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल ऑफ रेडियस 2 आर फ्रॉम द सेम सिचुएशन. क्या दिक्कत है इसमें सर. ये उसी से होएगा ना वर्क डन वाला जो हमने किया है. वर्क डन का हाँ उसी से होएगा. वर्क डन का फॉर्मूला बोलो सुरभि. ये सुरभि और सर एस इनटू डेल्टा ए. यस सर. सुरभि और मुस्कान की आवाज सेम सी लग रही. नहीं सर बहुत फर्क है. मुस्कान को मेरी और सुमन की आवाज सेम लग रही है. आज से सभी क्लासेस में टॉपिक आवाज क्यों बन रहा है. अच्छा
चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एस इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है सुरभि इसमें? सर इसमें 4πr² मतलब 2 × वो तो फाइनल है। इसने क्या बोला है, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस आर, मतलब जीरो से आर। जीरो से आर है, यस सर। पहले दूसरे केस में जीरो से टू आर है। अच्छा सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ठीक है सर, हो जाएगा सर। मतलब दो केस करके फिर उसको माइनस डिवाइड करना, डिवाइड करना फोर तक। नो सर। एट तक। अरे एट सर इसकी कन्वर्जन बता दो। एट एमएम ऑफ एचजी होता है, वैसे एट एमएम ऑफ वाटर है सर, बता दो। ये नहीं हो रहा कन्वर्जन, ये हो नहीं रहा। द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सो बबल इज 0. नहीं अच्छा ये रेडियस लिखा उसका। हां प्रेशर, प्रेशर निकाल लो 8 एमएम ऑफ वाटर से। सर वो कैसे निकालें? कैसे डेल्टा, एक सेकंड, पहले बात तो ये बताओ मुझे, क्या ये डेल्टा पी दिया हुआ है या पी इनसाइड दिया हुआ है? पी इनसाइड दिया हुआ है हमें, अबव दिया हुआ है ना सर? यस दिस इज अबव। लग तो हो ही रहा है सर। डेल्टा पी की वैल्यू हमें दे रखी है 8 mm ऑफ वाटर। वाटर क्योंकि जो इनसाइड वाला प्रेशर है वो 8 mm वाटर ज्यादा है पी आउटसाइड से। यस उसने ये लिखा, प्रेशर इनसाइड द सो बबल इज 8 mm ऑफ वाटर अबव द प्रेशर आउटसाइड। अब आपका मतलब उसे ज्यादा है। 8 एमएम ऑफ वाटर को 180 एचरो नहीं नहीं उसको माइनस करेंगे। 180 माइनस नहीं करना, उसने पहले ही माइनस करके बताया कि 8 एमएम ज्यादा है। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन में हां अंग्रेजी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रेशर ऑफ द एयर इन द सो बबल इज 8 एमएम ज्यादा अबव द प्रेशर आउटसाइड। अब एचरो जी हम निकालेंगे कैसे, सिंपल। अब डेंसिटी यहाँ पे किसकी लेनी है? वाटर की। तो 8 × 10⁻³ - 3 × 10⁻³ = 10। सर यही कर रहा है। ये क्या कर 80 मीटर सर, मैंने तो यही कर रहा था, मेरा तो आंसर नहीं निकला। तो मैंने भी यही किया, मेरा भी नहीं कर रहा। 8 एमएम मेरा तो आ गया। 8 एमएम * डेंसिटी ऑफ पानी * जी, और इसका यूनिट क्या होगा? पास्कल। तो 80 पास्कल आ गया। अब उसके बाद क्या करें? फिर तो ये डाइन में है ना, तो हाँ कर लेना बाद में डाइन में। उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा पी 4s/r हो जाएगा। 4s/r राइट। डेल्टा पी की पास्कल में रखी है, 4 पता ही है हमें। उसको डाइन में करना पड़ेगा पहले। और ये 0.35 होगा वो रेडियस। ऐसे करना नहीं है, ऐसे कर सकते हैं या फिर शुरू में सीजीएस रख लो। अगर अच्छा शुरू में हम सीजीएस रखेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू जो दे रखी है एच रो जी हमें पुट करनी है। हाइट कितनी पुट करेंगे? 0.8 डेंसिटी 1 1 10 नहीं फिर तो फिर चेंज करते हैं 0.1 हो जाएगी। 1000 अच्छा कन्वर्ट करके कर लो ज्यादा ठीक रहता है सर। 1000 हो जाएगी। 1000 हो जाएगी क्योंकि जी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच इज इक्वल 10 × 100 सेंटीमीटर। तो 1000 आ जाएगा सीजीएस में। तो इधर झोल मत करो लोग, यूनिट्स में झोल करो। क्या हो गए मेरे को लगता है यूनिट्स में गड़बड़ मत करना, ठीक है? यस सर। यस सर। ऐसे ही सीजीएस ऐसे ही करना आता है हर एक को, कुछ भी कर लो यार, बस उसको तोड़ के कर लिया करो अगर ऐसे सीधा समझ में नहीं आता है ना। तो लिख लो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे करेंगे। 10
100 सेंटीमीटर सेकंड का, तो सेकंड ही रह जाएगा राइट। और ये डायमीटर दे रखा है इसको किस में करना है, रेडियस में, रेडियस रेडियस। चलो नेक्स्ट 16th Water rises in a capillary tube to a height h when the capillary tube is vertical. पता आया तो सर आपने कहा नहीं था कि अगर vertical inclined हो जाएगी तो वो तब भी सेम रहता है, सेम रहे सेम रहता है सर। नाउ इफ दिस बट आपने वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा था, आया था। सुनो 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 हाइट भी सेम ही रहेगी। इफ द सेम कैपिलरी इज नाउ इंक्लाइंड टू द वर्टिकल द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन इट विल, आंसर पीछे इंक्रीज दे रखा होगा। इसमें पूछा उसने क्या है लेंथ, हाइट नहीं पूछा उसने। हाइट यहाँ तक गई, इसको कर दिया टेढ़ा, तो हाइट तो अभी भी यहाँ तक ही जाएगी लेकिन ये लेंथ तो बढ़ गई। हाइट एच ये अभी भी एच ही रहेगी लेकिन हमें अभी हाइपोटेन्यूस लेंथ पूछा। अगर हाइट पूछते फिर सेम रहती ना, सेम रहती। ठीक है सर नेक्स्ट सर 22 यस सर। इफ द वैक्स कोटेड कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर देन द वाटर विल, वैक्स कोटेड है कैपिलरी डिप्रेस होना चाहिए ना, डिप्रेस होना चाहिए ना सर, डिप रह जाएगा ना। हां तो होना तो ऐसे ही चाहिए, पीछे आंसर दे दिया हुआ है सर। डिप्रेस भी क्यों होना चाहिए, वाटरप्रूफिंग नहीं हो गई पानी चिपकेगा तो थीटा, वैक्स कोटेड कैपिलरी, वैक्स कोटेड ग्लास है, पानी चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो हाइट कम हो जाएगी, डिप्रेस नेगेटिव नहीं ऑब्ड्यूस हो जाएगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो हाइट नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए? यस सर। किसी को इसमें डाउट अभी? नो सर, नो सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स इन एक्सरसाइज वन? नो सर। क्वेश्चन नंबर 35 तक एक्सरसाइज टू। सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 है ना? इसमें सर जो एरिया दिया हुआ है ना, ये मतलब हम इसमें एरिया डबल करके नहीं लेंगे? प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द एयर, द प्रेशर ऑन द बॉटम द एरिया ऑफ ईच सरफेस इज द नंबर। नहीं विंग का ही पूछा उसने, डायनामिक लिफ्ट मतलब सर एक विंग का ही, एक विंग का ही पूछा, अगर प्लेन का पूछता तो डबल कर लेते। ओके सर 40 तक, 37 तक। सर 38 स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या दिक्कत है, डेफिनेशन सर पता कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में डाउट है सर? सी नहीं आ रही समझ में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग ना अराइविंग एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे सारा प्रॉपर्टी सेम रहती है? यस सर, यस सर। बस फिर काइनेटिक एनर्जी सेम रहने का मास तो ऑब्वियसली सेम है लेकिन वेलोसिटी भी उसकी, मतलब स्पीड भी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है, यहाँ पे तो सिर्फ होना ही स्पीड यूज है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम, काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी हर एक पार्टिकल की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब ये नहीं होता, बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, एक पार्टिकल की हर पॉइंट हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं होती। देखो देयर इज अ डिफरेंस, यस देयर इज अ डिफरेंस, एक पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट सेम होना या एक पॉइंट पे हर पार्टिकल वेलोसिटी सेम होना, इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। यस सर। सर मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो इसीलिए नहीं आ सकती ना, उसमें लिखा है ऑलवेज रिमेन सेम, हाँ वो एक पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह पे सेम बोल रहा है बी में। यस सर, वो ऐसा नहीं होता, वो तो कम ज्यादा हो सकती है ना, एरिया कम ज्यादा कर देंगे कम हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की सेम होगी। हाँ, ये ओके सर। 40 तक
40 क्वेश्चन में प्रेशर हेड वगैरह लिखे उनको बस सिंपल प्रेशर ही मानना है। प्रेशर हेड ये तीनों ना, ये दीज आर प्रेशर हेड्स, ये अपना ग्रेविटेशनल हेड हाइट को, ग्रेविटी हेड, और ये रोजी से डिवाइड कर दिया, रोजी से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया इनको हेड, तो फिर 41 41 किया किसने? 41 यही लगना है इसके सेम फॉर्मूला, यही लग मैं ये करना। देखो मैं बता देता हूँ, तो मतलब सिंपल फर्स्ट में तो ऊपर नॉलेज थ्योरम लगेगा ना, ऊपर वाला जैसे हमने सब रोजी से डिवाइड कर दिया था, नॉलेज सर मैंने ना बर्नौली थ्योरम लगाया है इसमें, यही तो बर्नौली थ्योरम है फिर, तो यही तो है बर्नौली थ्योरम। तो फिर हम सुनो 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 क्या करना है इसमें, 41 में 40th में जो ये हेड्स दे रखे हैं याद कर लेना, किसको हेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बर्नौली की जो क्वेश्चन किया उसको सारी को रोजी से डिवाइड करके जो इंडिविजुअल टर्म्स बन गई उनको हेड्स बोलते हैं, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। ठीक है सर। नाउ वेलोसिटी हेड क्या बोला उसने कि स्पीड ऐसी क्या हो, कितनी स्पीड हो पानी की, सो दैट पानी की स्पीड पूछी है उसने, सो दैट वेलोसिटी हेड ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी उतर का प्रेशर। ठीक है, वेलोसिटी हेड किसके बराबर, वेलोसिटी हेड देखो, वेलोसिटी हेड का फार्मूला सर नॉर्मल भी तो यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी हेड क्या है अगर हम रो वही वाला कर ले, हां सर अगर रो पुट कर तो सिंपल हो, वेलोसिटी हेड का फार्मूला क्या है, v2/2g। अच्छा ये तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं, तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, सेम भी होनी चाहिए, v/ρg इसको इक्वेट करो, जी तो जी जी हो जाएगा, तो यहाँ से पी वी कितना रूट ऑफ क्या बच गया इधर, 2p अपॉन रो। अब यहाँ पे वेलोसिटी हम किसकी ढूंढ रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, वाटर की, वाटर की, हाँ सर ठीक है ठीक है, डेंसिटी ऑफ पानी। लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी, प्रेशर किसका दिया हुआ है, सेंटीमीटर मतलब यूनिट इसके देख लेना, सेम यूनिट रखना चाहे सारे सीजीएस में चाहे सारे एसआई में, ऐसा ना हो तुम लोगों ने इधर ये सामान यूज कर लिया, जी की वैल्यू 10 यूज कर ली, जी को भी सीजीएस में कर लेना कन्वर्ट हो जाएगा अब तो, यस सर ठीक सर। हाँ जी सर, जब इतने इतने बड़े बड़े जैसे अंडर रूट्स आ जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करें, मैं खुद बहुत टाइम लगता था, बहुत सिंपल है, देखो क्या आया था जरा बताना, 2 × p × ρ था ना, यही था, यस सर, देखो 2 × प्रेशर कितना है, 544 ρg डिवाइडेड बाय ρ ऑफ वाटर, ρ ऑफ वाटर, तो 2 × 4 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है ना, तो 4 को मैं चेंज नहीं करूंगा, 4 को मैं चेंज नहीं करूंगा, तो दिस इज क्या है, 2 × 4 × 13.6 है, यही है, 13.6 × 2 कितना हो गया, 27.2 ये आ रहा है, इसको बाहर निकालते हैं, ऑप्शंस हैं दूर दूर तो चलेगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, थोड़ा सा धक्का कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 × 2, 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा होगा, 5.1 ले लो, कुछ टाइप 2 ले लो, 5.2 ले लो, नहीं नहीं वो तो ज्यादा हो गया, 1 ले लो, चलो ना, ये कितना आ गया एप्रोक्सीमेटली 10.2 11 हां यस 10 और 11 ऐसा कुछ आ रहा है मीटर पर, 10.1 आ रहा है, नहीं 10.2 आएगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 10.2 आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जैसे कि क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर तो क्या आ जाएगा, 1020 मीटर पर सेकंड, 1032 के पास है सर, तो मतलब अगर पास पास होते ऑप्शंस तो अप्रोक्सीमेशन, पास पास तो अप्रोक्सीमेशन करो यूज,
ना अगर दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन करो यूज, पास पास है फिर नहीं, फिर तो पास पास इतने ऑप्शंस आती भी नहीं है, जिसमें पास पास उसमें आती है जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन बन जाए, ठीक है? यस ओके सर। बाकी नहीं तो फिर जेई उसमें आती है, मेडिकल में नहीं आती इतनी पास पास कैलकुलेशन। इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं वो लोग, उनका काम ही यही है, उनको करना पड़ता है काम। 46 तक नो सर, 50 तक सर, 50th नहीं हो गया, डायमेंशन मैथ करनी है सिमर, बस यही समझ में। 50th ना मेरा सर, ये डायमेंशन यूज करेंगे ना इसमें। हां हां उसने वैसे भी सर आ नहीं रहा आंसर मेरा, कमाल है। ए सर कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाकी आई नहीं रहा सर मेरा सर। हो गया हो गया हो गया हो गया मेरा, हो गया के कांस्टेंट है, ठीक है। मैं के सोच रही हूं क्या है, के कहां से टपक गया। अर्शिया सर मैं अपनी कैलकुलेशन चेक कर लूंगी। हां कैलकुलेशन नहीं मतलब इसमें तुम्हें कुछ डायमेंशन गलत ले लिया होगी किसी की। हां सर देखते हुए ही होगा, हां चेक करना मुझे बताना फिर बाद। यस सर ओके 52 तक नो सर, 5 तक 53 में ना ये गड़बड़ है कुछ। मास फ्लक्स जो होता है, देखो मास फ्लक्स अगर लेंगे तो आंसर गलत है इसका। मास सर इसमें अगर हम वो कर रहे हैं ना डेल्टा m1 / t = डेल्टा m2 / t तो आंसर आ रहा है, तो आएगा वो होता है रेट ऑफ मास फ्लो। एक्चुअली मास फ्लक्स जो होता है दैट इज रेट ऑफ मास फ्लो पर यूनिट एरिया, लिख लो ये मास फ्लक्स होता है रेट ऑफ मास फ्लो पर यूनिट एरिया। अगर सिर्फ रेट ऑफ, यहां पे सिर्फ ये लिखा होता कि रेट ऑफ मास फ्लो फिर आंसर सही आ जाता 1/2 इसका, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ मतलब मास फ्लक्स लिखा, दैट इज रेट ऑफ मास फ्लो पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ मास फ्लो मतलब मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का इक्वल है। अब इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टी, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम को तोड़ा ना मैंने, दिस इज लेंथ अपॉन टी इनटू एरिया, एरिया एरिया उड़ेगा, एक्चुअली एरिया पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, एरिया अलग अलग दे रखे हैं ना वो तो खत्म ही हो गया। और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी सर। तो एक सेकंड, मास फ्लक्स जो बन गया वो बन गया डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब ये दोनों का क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, इज इक्वल कि मास फ्लक्स इक्वल है, तो रो 1 v1 इज इक्वल टू रो 2 v2, रो 2 v2 यस सर। और वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, रो 2 gh, 2 जी एच दोनों में सेम है, yes. तो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, सेम हो जाएगी, डेंसिटी भी क्या होगी, सेम 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 होगी, ठीक है। 1:1 आना चाहिए फिर, तो कोई आंसर नहीं है। वही तो मैं शुरू में वही बोला कि इसका आंसर गलत है। अगर यहाँ पे देखो बच्चों मास फ्लक्स आता है तो आंसर बनेगा 1:1, इसलिए तुम लोगों को दोबारा वार्न कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे रेट ऑफ मास फ्लो लिखा होता, इसको सही एक्सप्लिसिटली मेंशन कर लो, यहाँ पे अगर रेट ऑफ मास फ्लो लिखा होता फिर ये नीचे एरिया से डिवाइड ना करते, सुन रहे हो मेरी बात, yes, so. तो सिर्फ मास अपॉन टाइम आता तो डेंसिटी मतलब रो ए वी बनता, ठीक है। वो भी मैं करवा देता हूँ, चलो लिखवाता हूँ अलग से, ये लिख लिया तुम लोगों ने, yes, so. अच्छा, अगर लिखा होता रेट ऑफ मास फ्लो तो वो होता है मास पर यूनिट टाइम, विच इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रो ए वी, तो उस केस में आता रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 a2 v2। अब v1 a2 और v2 सेम है, आएंगे तो देयरफॉर क्या बन गया, रो 1 a1 इज इक्वल टू रो 2 a2, तो रो 1 / रो 2 क्या बन गया, a2 / a2 / a1 1:2। और a2 / a1 क्या है, 1:2
चमक गया यस yes, तो ये रेट ऑफ मास फ्लो हमने जब हमने वो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ड्राइव की थी तब भी यही लगाया था ना तब तो हाँ तब हमने ये लगाया था रेट ऑफ मास फ्लो पे डिपेंडेंट होती है वो चलो रेट ऑफ मास फ्लो सेम होता है उसमें इक्वेशन ऑफ चलो नेक्स्ट 60 तक इसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा इसमें 58 metal sphere of diameter 7 cm falls through a liquid of coefficient of viscosity फिर कन्वर्जेंस करनी पड़ेंगी सबकी पास्कल वो तो कर ली थी coefficient of viscosity ये PS मुस्कान पॉइस पास्कल सेकंड पास्कल सेकंड है ये Yes, जिस दिन मैंने पूछा था ना तेरी क्लास में भी हुआ था ये हो चुका सर ये डिस्कस पास्कल सेकंड दिस इज पास्कल सेकंड तुमने पॉइज़ ले लिया क्या छोटा का पॉइज़ मुस्कान ने पूछा था ना मुस्कान क्या लिया इसको 0.8 तो पॉइज़ ले लिया पॉइज़ ले लिया तभी आंसर गड़बड़ है तुम्हारा ठीक है वो पॉइज़ एक्चुअली सीजीएस है तो तुमने इसको 0.08 कर दिया होगा तो एसआई कन्वर्ट करने के लिए ना ये एसआई में ऑलरेडी ओके सर ओके नेक्स्ट 65 तक नो सर ये 60 में सही आ रहा है सर थोड़ा बाद में करके सही आ रहा है सर एरिया दिया हुआ है ना रेडियस निकालेंगे इससे एरिया ही क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया होता है हां सर यस तो इसमें पाई आर स्क्वायर कर लेंगे ना पाई आर स्क्वायर कर लेंगे यस सर हां 67 तक 70 तक सेवेंटी फोर सेवेंटी सेवन एट्टी तक एट्टी फाइव सर एट्टी वन दो कुछ समझ ही नहीं आ रहा पढ़ के एट्टी वन में देखो पहले एक ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम था उसमें सोप सॉल्यूशन है उसमें एक धागा सा डाल दिया वैसे रैंडमली घूमेगा हाँ के ना Yes, sir. अब एक बात बताओ जरा मुझे जब मैं इस धागे को यहाँ पे प्रिक कर दे धागे को नहीं यहाँ पे इस धागे के बीच वाला जो सोप का वो है सॉल्यूशन उसको मैं प्रिक कर देता हूँ तो धागे के साथ क्या होगा सर वो एक स्फीयर सा बन जाएगा स्फीयर नहीं सर्कल बन जाएगा मतलब सर्कल सॉरी पूरा प्रॉपर सर्कल क्यों बन रहा है क्योंकि ये बाकी बची हुई जगह है ना सर वो उसको खींचेगा उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं Yes, ना यहाँ पे नेट फोर्सेस इधर को बनेंगी इसकी तो ये नेट फोर्स ऐसी बनेगी हाँ के ना yes, लिक्विड की तरफ बनती है ना तो वो एक सर्कुलर शेप ले लेगा yes, यहाँ तक कोई दिक्कत no, sir. No, sir. अब इसके बाद क्या हो रहा है इसके बाहर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं धागे को अब क्या किया इधर एक स्लाइडिंग वायर लगा दी मैंने यहाँ पे सब सोल्यूशन है अब स्लाइडिंग वायर के साथ जो मर्जी करते धागे ने तो जो शेप लेनी थी ले ली खत्म है उसका काम स्लाइडिंग वायर को बाहर किया उसकी वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है फोर्सेस यहाँ पे डेवलप जरूर हो जाएंगी मतलब यहाँ पे तो है ही फोर्सेस यहाँ पे चीजें चेंज होंगी बस बट धागा विल नॉट चेंज एनी शेप धागे ने अपनी सर्कुलर शेप जो लेनी थी वो ले चुका है समझ गए yes, और वो शेप उसने सर्कुलर क्यों ली थी ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण कम करने के लिए 85 तक 90 तक सर 89 89 सर 89
वेसल कंटेन्स ऑयल डेंसिटी दे रखी है मर्करी की डेंसिटी होमोजेनस स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड ये याद है क्वेश्चन हां सॉरी बाइंड फोर्स को वेट इक्वल पुट करना हां एक एक क्वेश्चन किया था जिसमें सिलेंडर था यस यहां पे एरिया ए बाय 5 दे रखा था कुछ करके है ना और यहां पे लेंथ एल थी लेंथ दे रखी है 3 by 4 तो यहां पे दोनों बराबर है स्फीयर है बट बराबर इधर भी वी बाई टू है इधर भी वी बाई टू बस क्योंकि फ्लोटिंग कंडीशन है तो वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बाइंड फोर्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइंड फोर्स मतलब बाइंड फोर्स के बराबर यस सर क्या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर यस सर अब वेट ऑफ दो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहे हैं लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 weight of liquid 1 displaced plus weight of liquid 2 displaced. Weight of the solid को हम लिख सकते हैं density of the solid into volume of the solid total g is equal to density of liquid 1 volume displaced liquid का कितना है? by 2 g plus density of liquid 2 volume दूसरे का भी कितना displaced है? by 2 v by 2 v उड़ाओ g उड़ाओ बस इसमें से दो डेंसिटीज दे रखी हैं तीसरी निकल आएगी ठीक है क्योंकि आधा आधा वैसे भी एवरेज होने वाली है वो बट आई डोंट वांट कि तुम लोग उसको जिस चीज को रट्टा मान लोगे एवरेज होगी ऐसे ही निकाल लो ठीक है एनीथिंग एल्स Surface tension of water T, the weight of the water supported by the surface tension is equal to. ऐसा कुछ मेनिस्कस बन रहा है ना? Yes, so. ऐसे ही बनता है नीचे पानी इस पानी का सारे का वेट नीचे को लिख रहा है mg इसने सपोर्ट कर रखा है और यहां पे मैं सिर्फ एक पॉइंट पे अगर सरफेस टेंशन फोर्स बनाता हूं f ऐसी इधर बनेगी ऐसी हर पॉइंट पे बनेगी f यस है ना और ये टोटल मतलब हर पॉइंट पे ये फोर्स बन रही है और अगर सारी की सारी फोर्स को मैं कम्युलेटिव f से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो F क्या होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ लेंथ तो फिर 2 पाई आर लेंथ और हाँ इसका इसकी लेंथ कितनी है ये 2 पाई आर S इनटू 2 पाई आर विल बी ओके सर एक बार 74 भी बता दो मेरा भी आंसर उसमें गड़बड़ आ रहा है किसमें मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ आया 74 अंडर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हां रबर ऑफ रबर कॉर्ड कैटापुल्ट एरिया दे रखा है नीचे लेंथ दे रखी है टाइटल दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी लगानी है बस जितनी पहले इस गुलेल की रबर में थी उसको एक्सटेंड कर रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है हां के ना यस उसको छोड़ेंगे तो वो काइनेटिक बन जाएगी वो पत्थर की मिसाइल मिसाइल जैसी भी यानी का उसको छोड़ेंगे तो काइनेटिक बन जाएगी हां नहीं ठीक है लेकिन मिसाइल है कमाल है सर ज्यादा छोटी मिसाइल ये गुलेल से मिसाइल फायर सर वो भी तो आता है ना कैटापुल्ट एक वो जो समझो वो मिसाइल बड़ा सा होता है पर रबर होती है उसमें भी नहीं नहीं ये बस ऐसे ही मजाक में लिख दिया मिसाइल चलो जो भी है इस मिसाइल की जो 5 ग्राम की है तो बुलेट होएगी बुलेट उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करना है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रबर विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिसाइल मिसाइल अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लगाएंगे हम हाफ के स्क्वायर आपकी मर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर लगा लेकिन उसके लिए के आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा y a बन गया
stress half into strain into volume मतलब भूल जाना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना ठीक है फिर वॉल्यूम सही सर पूरा स्टेप बाय स्टेप करते यू बाय वी पूरा लिख लिख के ना मैंने जो छोड़ जाती है मेरी वॉल्यूम अब यहां पे हम स्ट्रेन यूज कर सकते हैं है ना स्ट्रेस में फोर्स नहीं है ना मैं अपने पास तो स्ट्रेन यूज कर लो स्ट्रेस को हम लिख देंगे क्या f upon a y into strain जाएगा half into y into strain का होता है delta l by l का square l का whole square into area into a into l half m v square सब कुछ है बस put करनी है values ओके दीप्ति एंड मुस्कान यस सर मैंने फोर्स निकाली फिर एक्सेलरेशन निकाली फिर वेलोसिटी निकाली बात तो यही बन रही है मेरी भी फोर्स लेकिन आप नहीं आ रहा था नहीं यहां पे कौन सा ना फोर्स कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी नहीं सर y is equals to f into l by area into delta l तो उससे फोर्स निकल गई तो एक्सेलरेशन is equals to force by mass तो मास निकाल लिया फिर वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as तो v निकाल लिया एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट की आई वो सर मैंने ना मिसाइल का मास ले लिया तो मैं देखो फोर्स f इक्वल टू ma लगाने का यहां पे कोई तुक नहीं बनता है ना क्योंकि f इक्वल टू ma यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो जरूर दे देगा क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो वेरिएबल है ओके सर है ना तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते अभी मैंने रीअरेंज किया जो मेरा बन रहा है जैसे आपका बन रहा है ना वेलोसिटी एंटीट्यूड ये सारी टर्म्स आ रही है उसी में चलो देख लेते हैं फर्स्ट टू लाइंस का मीनिंग बताना कौन सी फर्स्ट टू लाइंस इसी की 74 क्वेश्चन के रबर कॉर्ड कैटापल्ट रबर की जो गुलेल होती है इट हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखी है इनिशियल लेंथ दे रखी है मतलब मीनिंग क्या बताऊं इट इज स्ट्रेच टू 5 सेंटीमीटर मतलब ये ओरिजिनल लेंथ थी उसको स्ट्रेच करके इतना कर दिया 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर दिया x5 और डेल्टा l 2 तो आना चाहिए ना क्या नहीं आना चाहिए 2 तो नहीं आना चाहिए वर्ड टू स्ट्रेच्ड टू 5 सेंटीमीटर ठीक है सर ठीक सर सर कैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाया सोचो नासा वाले मिसाइल गुलेल से लॉन्च कर रहे हैं सर वैसे वेजिटेबल उगाने लग रहे हैं हां सर पता है स्पेस में वेजिटेबल उगाई नासा वाले खेती बाड़ी भी करने लग गए सर अब साइंटिस्ट और सर यहां पर किसान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्मर्स को खेती बाड़ी शुरू हो गई अब स्पेस में करना पड़ेगा सर सोचो बेचारा साइंटिस्ट कितना पढ़ा होगा सोचो वो भी सोच रहा होगा मैं गाजर उगाने के लिए इतना पढ़ा हूं एक मिनट एक और वीडियो में तुम लोगों को वही ना जो धागे वाली थी कौन सी सर यही गोल ये प्रीक्वल हां अच्छा। ये दमन ने भेजी थी दमन बड़े हां मिल गई दमन दमन सर हर चीज करता है हां देख रही है वीडियो खुद नहीं है तो यूट्यूब की ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था उसमें धागा छोड़ दिया यस सर बीच में से प्रिक कर दिया दोबारा दोबारा दिखा रहा हूँ देख लो अच्छा क्या कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि जैसे ही प्रिक करेंगे वो सर्कुलर हो जाएगी अंदर वाला जो धागा है ना वो सर्कुलर हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है सो फिल्म इस पे है दिख रही है यस सर ये धागा छोड़ दिया जब तक प्रिक नहीं है वो धागा रैंडम शेप लेगा सर्कुलर हो गया एकदम से वैसे फिजिक्स से जादूगर ही बड़ा बंदा अच्छा बन जाए से प्रेक करने से बाहर के जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी तो उसको खींचने लग गई हां नेट फोर्स भी आउटवर्ड बन गई ना हर पॉइंट पे धागे की यस सर खींचने लग गया
ठीक है जी, चलो ये चैप्टर का तो हो गया काम सर। हाँ जी, प्रिक करने के बाद भी उस धागे के बीच रहेगी फिल्म? नहीं नहीं नहीं, प्रिक कर दिया पर फिल्म नहीं है ना अब, खत्म है ना? ठीक है सर, वही कंफ्यूज हो रहा था। चलो किसी को कुछ और डाउट पूछना है टेस्ट रिलेटेड? अगर आज भी 15 मिनट नहीं बचे अगर किसी को कुछ होगा तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप आल्सो, अगर कोई डाउट ऐसा है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को अभी कुछ पूछना है कुछ रिलेटेड है सर तो, हाँ जी बोलो सर। मेरे को ना एक बार वो पूछना था सर, हमने जो पढ़ा था ना कि एक स्प्रिंग से अगर हम एक मास को वो कर देंगे अटैच कर देंगे तो सर उस पे शेयरिंग वो लगेगा स्ट्रेस, वो सर एक बार बताना उस पे शेयरिंग कैसे था, मुझे लॉन्गिट्यूडनली लग रहा है बार। अरे मटेरियल के उससे देखो, स्प्रिंग का जो मटेरियल है यहाँ ये स्प्रिंग की तार है, अगर तो ऐसे लगाएंगे हम इस पे फोर्स तभी इसके परपेंडिकुलर होगा ना। यस सर। लेकिन ये जब हम मास ऐसे लटका रहे हैं इसके, ये ऐसे इसको ऐसे खींच रहा है स्प्रिंग को, तो दिस इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। अच्छा मतलब सर इस पे लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन होगा राइट में? एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दोनों का। अच्छा। कोई भी स्ट्रेस ना अकेला नहीं आता, हमेशा कॉम्बिनेशन ही आएगा, बट मेजरली यहाँ पे लगेगा। हम वो स्ट्रेस की बात करते हैं जो डोमिनेंट, जो मेजरली हमें दिखेगा। सो पता नहीं मेरे को तो नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल ही लगता है हर बार। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल हमेशा ना ऐसे देख लिया करो, अगर जब तार से परपेंडिकुलर लग रहा है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की तार जा रही है, ठीक है? यस सर। अगर ऐसे लगता फोर्स तो लॉन्गिट्यूडनल होता। ओके सर, ठीक है। सर एक वो क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपने कहा था मैं कल बताऊंगा वॉल्यूम में लेंथ को लेके? वॉल्यूम में लेंथ आपको याद नहीं है सर? वो ये था कि शेयरिंग स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होता है। बता तो दिया था। यस सर, उसमें फिर से बताना आपने क्या बताया था। वॉल्यूम की बात होती है उसमें। ठीक है सर। ठीक है जी, करें, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।